वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज है तीज का नहाए खाए, और आज सुबह सुबह सबसे पहले नहा के खाना बनाना था, तो वो सब मैंने कर लिया है। और आज ये आंटी आई हुई हैं बैंगल्स लेके, तो मैं बैंगल्स देख रही हूँ और मुझे लेना भी है। तीज के लिए तो मैंने पहले ही ले लिया था, आप लोगों ने ब्लॉग देखा ही होगा, ये मैं ऐसे ही ले रही हूँ। इनके पास बहुत अच्छे अच्छे डिजाइंस थे जो कि मैंने रिकॉर्ड किया है, आप लोगों को दिखाऊंगी। और मैंने 3-4 डिजाइंस लिए भी हैं, तो सब मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। बट मुझे जो भी डिज़ाइन पसंद आ रहे थे मेरे नाप का था ही नहीं, बड़ी मुश्किल से एक मिला जो कि मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। तो इन्होंने बोला कि मैं नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगी। मेरे हाथ बहुत पतले हैं, मुझे मेरा जो साइज है वो 2 है, या फिर 2x2 भी पहन लेती हूँ, लेकिन 2 सही आता है। तो मेरे हाथ के बैंगल्स बड़ी मुश्किल से मिलते भी हैं, वैसे शॉप में तो मिल जाते हैं, इनके पास नहीं थे, तो ये नेक्स्ट टाइम लेके आएंगी। लेकिन आज भी मैं इनसे लूँगी, किसी को देना है इसलिए, तो वो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊँगी मैंने कौन सा लिया। वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और ये देखिए कैसे बैंगल्स निकल रहे हैं, इतने ढीले ढीले हैं। और हाँ, जो लोग भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी का बटन आएगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। तो यहाँ पर जो भी डिज़ाइन पसंद आ रहे हैं मैं उसको ट्राई करके देख रही हूँ। लेकिन ये देखिए, ये वाला मेरे साइज का है, ये मुझे आ जाएगा, तो फाइनली मैं अपने लिए यही वाला लूँगी। पर ये डेली वेयर के लिए नहीं है, ये फैंसी है वाला टाइप में, तो मैं अपने लिए यही वाला लूँगी। अपने लिए तो मैंने इसको फाइनल कर लिया है, तो मैंने अपने लिए ये वाला फाइनल कर लिया है। तो अब ये मुझे पहना रही हैं, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और आज नहाए खाए के दिन मैं यही वाला बैंगल्स पहनूंगी, और आगे मैं इसको सेट में लगा के पहनूंगी, वो भी आप लोग देखिएगा, मतलब मैं इसका सेट तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए, तो चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने कौन कौन सा लहठी लिया है। एक ये लिया है, दूसरा ये है, और एक ये वाला है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो सारे अच्छे हैं, लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से अच्छे लगे। और ये सब मैंने देने के लिए लिए हैं, और उनके पास बैंगल्स के अलावा रबर बैंड और सिंदूर, नेल पेंट, ये सब भी था, तो वो सब भी मैंने ले लिया है। तो आगे मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने 2 रबर बैंड लिए हैं परी के लिए, सिंदूर है ये सूखा वाला सिंदूर, और नेल पेंट्स, तो ये सब मैंने लिया है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अब मैं बैठ गई हूँ मेहंदी लगवाने। लहठी लेने के बाद फिर मैंने प्रसाद बनाया, पूजा की, बहुत सारी तैयारियां की, लेकिन मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि अगर मैं रिकॉर्ड करने बैठ जाती तो फिर लेट हो जाता। वैसे मेहंदी लगवाने के बाद मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या तैयारियां कर ली है। मेरी सारी तैयारी हो गई है, क्योंकि पंडित जी मेरे यहाँ सुबह सुबह ही आते हैं, मैं उनको मॉर्निंग में ही बुला लेती हूँ, सबसे पहला पूजा मेरे यहाँ ही होता है, तो मुझे रात में ही सारी तैयारी करके रखनी होती है। मेहंदी लगवा के फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरी क्या क्या तैयारियां हो गई है। और मुझे जो मेहंदी लगा रही है, मैं इनसे फर्स्ट टाइम लगवा रही हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा लगा रही हैं, मुझे इनके बारे में पता ही नहीं था। इन्होंने बहुत सुंदर मेहंदी लगाया, जो कि मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाऊँगी। वैसे डिजाइन मैंने रिकॉर्ड करके परी हेल्थ एंड ब्यूटी पर शेयर कर दिया है, तो आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम से जब भी लगवाना होगा मैं इनको ही बुला लिया करूँगी और लगवा लूँगी। और कल का ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखिएगा, कल मैं पूरी कोशिश करूँगी पूजा का लाइव वीडियो डालने का, और कल का एक ब्लॉग भी आएगा अलग से, एक तो पूजा का वीडियो आएगा और एक ब्लॉग आएगा, मैं अपना साड़ी, अपना मेकअप सब उसी में दिखाऊँगी। तो कल का ब्लॉग और पूजा का वीडियो ज़रूर देखिएगा। वैसे आज के दिन भी मेरे यहाँ प्रसाद वगैरह बना है, लेकिन मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि टाइम की कमी थी और मुझे अकेले ही सब कुछ करना था। तो आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे यहाँ क्या क्या प्रसाद बना है, मैंने कैसे कैसे तैयारी की है। तो ये देखिए मेहंदी, सच में इन्होंने बहुत सुंदर लगाया है। Thank you.
पहले तो ये देखिए, ये कतरी है, इसमें दही जमाना है। तो पहले मैंने इसमें पानी डाल के रख दिया है कुछ घंटों के लिए, ताकि ये दूध कम सोखे, नहीं तो फिर ये दूध बहुत ज़्यादा सोखने लगता है। तो इसको साफ़ करके मैंने पानी डाल के रख दिया है, तो ये तैयारी हो गई है। फिर ये पूजा का दौरी है जिसको मैंने धो के रख दिया है, तो ये सब तैयारी मैं आज ही कर लूँगी, नहीं तो फिर कल प्रॉब्लम हो जाएगी सुबह सुबह। और इसके बाद मैंने फ्रिज साफ़ किया है और इसमें पूरा पूजा का सामान ही रखूँगी, इसलिए मैंने इसको साफ़ कर दिया है, बाकी सारे सामान को बाहर निकाल दिया है, वैसे ज़्यादा कुछ था नहीं। तो अब ये बिल्कुल नए जैसा लग रहा है। तो पूजा के लिए जो भी दही जमाना है, जो भी प्रसाद बना के, सब कुछ मैं इसमें रख दूँगी, फल वगैरह सब कुछ इसी में रख दूँगी, फूल बेलपत्र सब कुछ इसी में डाल दूँगी। और अभी इसमें कुछ भी खाने पीने का नहीं डालना है, तीज का जो भी होगा और चौरचन का जो भी होगा वही मैं डालूँगी। तो फ्रिज भी साफ़ हो गया, और किसी भी फेस्टिवल में ये ज़रूरी होता है क्योंकि हमें प्रसाद वगैरह रखना होता है। और अब मैं प्रसाद की तैयारी कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ क्या क्या बनता है, खजूर बनता है और गुजिया बनता है, कचौड़ी बनता है। तो पहले मैं खजूर बना रही हूँ, ये देखिए थोड़ा थोड़ा मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, बाकी ज़्यादा तो मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि टाइम कम था और मैं लेट हो जाती। और इसके बाद मैं बनाऊंगी गुजिया, और गुजिया बनाने में मैं बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं, मतलब इसका जो डिज़ाइन होता है, शेप होता है, वो मेरे से नहीं बनता है। तो फाइनली प्रसाद तैयार है, खजूर, गुजिया और कचौड़ी। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कल का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, तीज स्पेशल ब्लॉग।